बड़ी खबर है उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस की परेड देख लोग रह गए दंग। पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। राइफल के साथ हरिद्वार पुलिस ने दिखाया परेड का जलवा, जिसे देख लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। विभिन्न विभागों के समन्वय से गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन रोशनाबाद में आयोजित की गई भव्य परेड और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। माननीय सांसद रमेश पोखरियाल निशंक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। गणतंत्र दिवस परेड के लिए सलामी। ड्यूटी के दौरान बेहतरीन कार्य करने पर कई पुलिसकर्मियों को SSP अजय सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। उक्त अवसर पर पुलिस लाइन कैंपस और अन्य क्षेत्रों से हजारों की संख्या में आए लोगों के सम्मुख सर्वप्रथम मुख्य अतिथि माननीय सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसके उपरांत शुरू हुए रंगारंग कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक शानदार कार्यक्रम का प्रदर्शन किया गया। अच्छे कार्यक्रम और दर्शक दीर्घायुओं के तालियों के शोर के बीच शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर जनता जनार्दन द्वारा नन्हे बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। घुड़सवार पुलिस और डॉग स्क्वाड द्वारा अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का मन मोह लिया गया। काफी देर तक तालियां बजती रही। वो पीछे क्या हुआ था, ये जो देश पूरी दुनिया में विश्व विख्यात था, जो पूरी दुनिया में विश्व गुरु था। बच्चों की शानदार प्रस्तुति के लिए इसी क्रम में आगे बढ़ और ये तीसरे ओरिएंटर हैं रीमा साहिन जी। राजकुमार वाधवा और अंत में बहुत बढ़िया मैजिक रेड के संचालन डॉक्टर नरेश चौधरी जी। ओके ओके गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने अतीत को भी याद करते हैं, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको भी न केवल श्रद्धांजलि देते हैं बल्कि उनको याद करके उनके बताए रास्ते पर उनकी कुर्बानी है उसको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। अब देश को संजो करके रखेंगे, इस संकल्प के साथ जो करते हैं भविष्य के लिए अपना टारगेट भी अपना लक्ष्य भी निश्चित करते हैं। मुझे खुशी है कि मैं उनके शिक्षकों को और उनके ड्रॉपिंग को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही गरिमा में ये परेड थी, ये कार्यक्रम अभी रहा यहाँ पर और हरिद्वार तो वैसे भी कोई विश्व की आध्यात्मिक की राजधानी है। मुझे इस बात की खुशी है कि जब 2010 का हमने कुंभ किया था तब वो 2010 के कुंभ में जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम धरती पर हुआ, शानदार परेड भी हुई है, ऐतिहासिक रही है और हमारे पुलिस के जवानों ने ये बताया कि ये गौरव सुनने से। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणवीर कुमार के।